आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल और हमारी एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों की के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस भी काफी योगदान दे रहे हैं। जैसा आप लोग को पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके 3 लाख से भी अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं। सीआरपीएफ ने दिल्ली से लेकर दंतेवाड़ा तक दूर दराज इलाकों के समुदाय को जरूरतमंद वर्गों की मदद की है। ऐसी ही एक सेवा अभियान में सीआरपीएफ की एक बटालियन ने रायपुर में 1 लाख किलो चावल वितरित किया है। सीआरपीएफ की मददगार नामक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन भी लोगों की मदद कर रहा है। सीआरपीएफ ने टेलीमेडिसिन की भी सेवा शुरू की है। सशस्त्र सीमा बल भी अनुकरणीय कार्य कर रहा है। इन्होंने भारत की सीमा पर फंसे नेपाली नागरिकों को भी जरूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं। जो इनके छुट्टी पर गए कर्मचारी हैं, उन्होंने भी स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता की है। सीआईएसएफ के कर्मी भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विदेशों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और जल्द इमिग्रेशन में सहायता की थी। सीआईएसएफ के जो फायर सर्विस विंग है, उसके सभी 103 यूनिट आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन में जिला अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 300 से अधिक गांव में न सिर्फ लोगों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधा जो उनको जरूरत है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती हुई 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो किसान अपने खेतों में फसल काटने जा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट की सैनिटाइजेशन में भी इन्होंने मदद की है। बीएसएफ ने मेघालय में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार वो दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग में काफी वृद्धि की है, जिससे कि सीमा पार से कोविड-19 के केस ना बढ़ पाए। आईटीबीपी कोविड-19 की लड़ाई में शुरू से जुड़ा हुआ है। इसने देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 के क्षेत्रों में काफी अपना योगदान दे रहा है। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कन्फर्म केसेज आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कन्फर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं।
अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलीनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्यूनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन कि केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलीनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्विलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें, उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं, और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटैलिटी को कम से कम करके उन पेशेंट को रिकवर कराया जाए। इसी तरीके से हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि हम एक्सटेंसिव सर्विलेंस करें ILI और सारी केसेस की बफर जोन में इन ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू हम ब्रेक कर पाए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को। आज जब COVID-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल, हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। हमें कॉन्शियस एफर्ट करने हैं कि जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें तो डायरेक्ट और कन्फाइंड कॉन्टैक्ट से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करते हुए हम लोगों से मिलें और उसके हिसाब से अपना दिनचर्या प्लान करें। किसी भी एरिया में कंजेशन से बचने के लिए स्टैगर्ड टाइमिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। हैंड्स को अपने वॉशिंग हैंड्स विद सोप, वाटर या सैनिटाइजर का उपयोग, इसके थ्रू हम हैंड हाइजीन को प्रमोट करें। जो भी फ्रीक्वेंटली टच सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि टेबल टॉप्स, चेयर के हैंडल्स, कीबोर्ड्स, माउस, माउस पैड एटसेट्रा, उनको नियमित रूप से डिसइंफेक्ट और साफ करते रहें, और सभी लोग मास्क या फेस कवर एज अप्रोप्रिएट उसका इस्तेमाल करें। हमें यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने वाला व्यक्ति बीमार व्यक्ति नहीं है। मास्क पहनने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने समाज के बारे में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और विचारशील है। अपनी सुरक्षा के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड की जाए। इस लड़ाई में पूरा दुनिया जुड़ी हुई है। उस समय पर अगर इंडिया को सक्सेसफुल होकर इससे निकलना है तो जरूरत है कि हम सिंपल एक्शन जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स गठित किए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 ग्रुप्स की जो है प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 3, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अपने प्रेजेंटेशन जी।
मैं सबको पहले तो नमस्कार और गुड आफ्टरनून। हमारा ग्रुप टीम का जो बेसिक हमारा जो जवाबदारी है वो है कि जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उसको हम उसका अवेलेबिलिटी नक्की करें। तो इसमें जो मोटी मोटी जो मैं बड़ी जो बताना चाहता हूँ, एक तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीपीज, N95 and N99 मास्क, डायग्नोस्टिक किट्स, और दूसरा जो भी हमको दिया जाए काम में जैसे भी समय जाता है इसका। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की यहाँ पर पीसी चल रही थी और आंकड़े बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि 35,000 से ज्यादा जो संक्रमित है कोरोना के वो आंकड़ा पहुंच चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई गाइडलाइन भी जारी की है लोगों के लिए कि आपको इन गाइडलाइन का पालन जरूर करना चाहिए। चलिए